वो बस अपनी सुनाना चाहते हैं, सुनना नहीं, अपने सवाल रखना चाहते हैं, सवालों का जवाब देना नहीं। वो बदजुबान हो गए हैं, वो तोहमतों के जागीरदार हो गए हैं, वो गालीबाजों के सरदार हो गए हैं। ये हम नहीं बल्कि खबरें कह रही हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता महिला नेता के साथ गाली गलौज करते हैं, अखिलेश चुप रहे। समाजवादी पार्टी के मुखिया खुद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच मीडिया के सवालों पर इतना उलझ जाते हैं कि बिका हुआ बता देते। तुम आप फिर बिक गए, तुम बिक गए, बस इतने में बिक गए। तुम जरा अपना चैनल का नाम बताइए जो बिक गए हो तुम। पार्टी हर रोज टूट रही है। पत्नी पंखुड़ी पाठक के साथ अभद्रता हुई तो अनिल यादव ने पार्टी का दामन छोड़ दिया। अब एसपी वर्कर्स ने फिर से अखिलेश के समाजवाद की परिभाषा बताई है। मीडिया की अस्मिता को चोट पहुंचाई है। महामारी के बीच जब कोरोना वैक्सीन की बात हुई तो भी आपने भ्रम फैलाया, वैक्सीन को बीजेपी का बताया। बीजेपी वैज्ञानिक नहीं पैदा करती, ये वैज्ञानिक हमारे भारत का गर्व हैं। आप बदलाव की बात करते हैं, इस तस्वीर के साथ आपके बदलाव की परिभाषा बेईमानी लग रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टोपी की बात की, लाल आप हो गए। आप पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, आपकी शब्दावली इतनी कमजोर होगी, इस पर जनता हैरान है। आपके बयान गांजे के इर्द गिर्द हैं। सोचिए आप क्या सिखा रहे हैं यूपी को, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं। एक बार फिर इन तस्वीरों को देखिएगा, आप बहुत कमजोर नजर आ रहे हैं क्योंकि मीडिया वालों को धमका रहे हैं।